और इसकी गहराई जो हमने दी है वो 2 इंच की दी है। वो 2 इंच की इसलिए क्योंकि जब रात को ये बल्ब जगते हैं तो इसमें जैसे रोशनी होएगी, तो ये हमने इसका अब बोर्ड ले लिया है। अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे ताकि ये फ़ोटो फिट हो जाए। तो इन बैटन से हम इसका बॉक्स बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। लीजिए दोस्तों, अब बॉक्स तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगा फोटो। तो अब हम इसमें, ये हमारी पूरी फोटो फिट आएगी इसमें। चलिए पहले अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए हम फेविकोल का यूज़ करते हैं। पहले हम इसको पेस्ट करते हैं। ये सितारे लगाने से बेसिक क्या होता है कि जो भी हम इसमें लाइटिंग लगाते हैं, तो जब ये लाइटिंग ये सितारों पे पड़ती है तो इसमें चमक आ जाती है।
फ्रेम लगाना है, फ्रेम से फिर लाइटिंग लगानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम इस पे सितारे लगा दिए हैं। इसको फ्रेम को हमने काट लिया है, अब हम इस फ्रेम को जॉइंट करेंगे। अभी हम पहले इन पट्टियों से इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले हम इसके बराबर की पट्टियां काट लेते हैं। तो ये हमने इसका बॉर्डर तैयार कर लिया है पट्टियों से। बॉर्डर कैसे बनता है इसकी वीडियो अलग से मैं ज़रूर बनाऊंगा, हर तरह के बॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बॉर्डर लगने से क्या है फ्रेम की लुक और बढ़ जाती है। तो वो कैसे अभी अब देखते हैं। तो चलिए पहले इस बॉर्डर को सेट कर लेते हैं। अब मैं पहले इसका शीशा साफ़ कर लूँ। तो शैम्पू से पहले हम इसका, इसमें शैम्पू डाला होता है, इससे क्या है शीशे की चमक आ जाती है। और चलिए पहले मैं इसका शीशा साफ़ कर लूँ अच्छी तरह से। मैंने शैम्पू मार दिया, बार मार देते हैं। चलिए अब इसका शीशा साफ हो गया है। अब हम इसके लगाएंगे इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर क्या है, फोटो की लुक को चेंज कर देते हैं। तो पहले हम इसमें लगाते हैं इनर कॉर्नर, एक दो चार कोने के चार कॉर्नर लगाते हैं हम इसमें। ये कॉर्नर मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। एक तो कॉर्नर से ये जो इनर कॉर्नर लगाते हैं, इससे क्या होता है कि एक तो फ्रेम की रौनक बढ़ जाती है और लुक फ़ोटो का अच्छा आ जाता है। और दूसरा ये जैसे बाबा जी की फ़ोटो बना रहे हैं, खाटू श्याम बाबा जी की, तो ये मंदिर टाइप बने, ये जो शेप होती है जो मंदिर में आगे गेट बने होते हैं उस हिसाब से होते हैं, तो ये उसके हिसाब से भी दिखते हैं। तीसरा इसका ये फ़ायदा है कि जो हम बॉर्डर लगाते हैं उसकी ये जो जोड़ होते हैं यहाँ पे, ये हमको दिखाई नहीं देते, ये इनके पीछे लुक जाते हैं, छुप जाते हैं इसके पीछे, और उस कारण ये अच्छे दिखते हैं। चलिए अभी मैं कॉर्नर मैंने लगा दिए हैं, अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं ये। पहले हम इसका एक एक टेप लगा के पहले इसका लुक देख लेते हैं, फिर इसको फिट कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने अभी बल्ब भी लगाने हैं लाइटिंग के लिए। चलिए पहले हम इसका लुक देखते हैं। वाओ, तो ये लुक आ गया है। और मुझे लगता है इसमें एक कॉर्नर और दिखे लगेगा, क्योंकि इसमें अभी भी जोड़ दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस पे ऊपर एक एक कॉर्नर और लगा देते हैं।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता है और आगे हमारे को वीडियो को प्रमोट करने में आसानी होती है और काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसको फ्लेक्सी करेंगे, फ्लेक्सी मतलब इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये हमने इसको फिट कर दिया है। अभी हम एक बार इसका शीशा साफ कर लेते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि शीशे के ऊपर गंदगी दिखाई देती है लेकिन एक्चुअली वो होती अंदर है। तो एक बार हम इस दूसरी तरफ भी शीशा साफ करके देख लेते हैं। तो हमारा शीशा दोनों तरफ साफ हो गया है, तो हमारा अब लुकिंग देखिए क्या आ रहा है। वाओ, तो ये हमारा लुक आ रहा है। अब हम यहाँ इसके ऊपर बल्ब फिट करेंगे, चलिए देखिए कैसे। तो दोस्तों अब हम इस पे करेंगे अपने ये बल्ब फिट। तो अभी हम पहले इसके बल्ब को खोल लें अच्छी तरह से, क्योंकि इस पे टांके लगे हुए हैं और टांके से क्या इसको जोड़ना पड़ता है। ये बल्ब कैसे जोड़ते हैं इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और अभी हम इस पे टेप से बल्ब इस पे चिपका देते हैं। अब हमने इस पे बल्ब चिपका लिया है, अब इसको सर्किट और वायर से जोड़ देंगे। ये सर्किट इन बल्बों में काम करता है, इसके यहाँ पे एसी करंट देके तो इसमें बल्ब में जाती है। तो अब हम इसको इससे जोड़ देंगे। इसकी प्लस माइनस पॉइंट के हिसाब से इसमें इसको जोड़ देंगे और उधर से एसी वायर कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। तो ये हमने वायर इससे कनेक्ट कर दी है, अभी हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है क्या। तो देखिए अब ये बल्ब जग गए हैं, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। तो चलिए अभी हम इसको चेक साफ करके बाबा श्याम जी की फ़ोटो फिट करते हैं। अब इसको साथ चपेने के लिए हमने इस माउंट के टुकड़े को काट के इसके साथ चपे देंगे या फिर स्टेपल से स्टेपल कर देंगे।
अभी हम इस पर टांगने के लिए यहाँ पे हैंगर लगाते हैं ताकि फ़ोटो को टांगा जा सके। एक यहाँ पे लगाएंगे, एक वहाँ पे लगाएंगे। हमारे हैंगर लग गए इस पे, हमने इस पे हैंगर लगा दिए हैं, ये हैंगर लग गए हैं। तो अब हम इस, तो ये हमारी फ़ोटो तैयार हो गई है। तो इसमें हमने ये स्टारों की इसमें स्टोन से सजावट कर दी थी और इसमें बल्ब लगे हुए हैं 2 इंच। इसमें 2 इंच का हमने बॉर्डर लगा दिया और मोल्डिंग भी हमने 2 इंच की लगाई ताकि फ्रेम मजबूत रहे। और इसकी गहराई जो हमने दी है वो 2 इंच की दी है। वो 2 इंच की इसलिए क्योंकि जब रात को ये बल्ब जगते हैं तो इसमें जैसे रोशनी होएगी तो ये रोशनी चारों तरफ फैलती है और इस हिसाब से हमने ये फ़ोटो तैयार की है। चलिए एक बार इसको जगा के देख लेते हैं अपने। ये देखिए लाइट तो जगी है, लेकिन चलो इसका अंधेरे में टेस्ट करते हैं अपने। तो दोस्तों आप इस तरह की फ़ोटो आप बनवा सकते हैं, आप दराज फ्रेम से इस तरह की फ़ोटो तैयार करते हैं। और ये फ़ोटो जैसे हमने बनाई है आपको पता लगा कि कैसे फ़ोटो तैयार की जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।